सीबीएसई बोर्ड क्लास सिक्स में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एनुअल एग्जाम मैथमेटिक्स 2020 का क्वेश्चन पेपर। इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आया है और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस होंगे इसमें 8। कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2019-20 क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रतिभा ग्रुप के बच्चों के लिए। टाइम अलाउड होगा 2.5 घंटे का एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 के। इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। ये निर्देश पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, बच्चे से नहीं पढ़ते हैं तो एक बार चलिए पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हैं जो दो खंडों अ और ब में विभाजित किया गया है। खंड अ में एक प्रश्न है जिसके 15 भाग हैं एवं प्रत्येक भाग एक अंक का है। खंड ब में प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के प्रश्न 2 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 9 से 13 तक प्रत्येक 3 अंक का है और प्रश्न संख्या 14 से 17 तक प्रत्येक 4 अंक का है। प्रश्न पत्र में कोई पूर्ण विकल्प नहीं है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है। ऐसे में सभी प्रश्नों में आपको एक ही विकल्प हल करना है। कैलकुलेटर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं एंड सेम जनरल इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। खंड अ सेक्शन ए से प्रश्न संख्या 1A से 1E बहुविकल्पीय प्रश्न है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का A प्रश्न, इसमें शालिनी एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है 3 चक्कर लगाती है। शालिनी द्वारा की गई दूरी, अब देखिए वर्गाकार पार्क है तो उसका सबसे पहले आप उसकी पेरीमीटर निकाल लीजिए, फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उसका आंसर आ जाएगा। तो किसी वर्ग का स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू उसके एक भुजा की लंबाई, तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 होगी और 80 में 3 बार चक्कर लगा इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्ठे 24 यानी कि 240 मीटर। क्वेश्चन नंबर बी दी गई आकृति में छायांकित भाग के लिए भिन्न है, तो छायांकित भाग इसमें कितने भाग है सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 भाग है और 4 भाग इसमें छायांकित है यानी कि शेडेड है। तो 4/8, तो 4 8 से 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे 2, 4 2 8 तो वो ऊपर 1 और नीचे 2, तो यहाँ पर हाफ ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सी निम्न में कौन सा अनुपात 6:4 का तुल्य है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 3:2 का अनुपात सही है। निम्न में कौन सा 25 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है और सही ऑप्शन है 0.25 मीटर। संख्या रेखा पर 4 से बाईं तरफ 7 कदम चलने पर प्राप्त होगा और इसका सही आंसर जाता है -3 को। इसी तरह से प्रश्न संख्या 1F से 1J तक के प्रश्नों में कथनों में सही यानी कि सत्य और असत्य की जांच करनी है आपको। तो यहाँ पर एफ से लेके जे तक के प्रश्न हैं, हर प्रश्न के 1 अंक है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। प्रश्न संख्या 1K से 1O तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको पूरा करना है। अब देखते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों को। -5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए अथवा निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न को दशमलव में के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न हैं और दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं, अथवा यदि 6 जूस की केन का मूल्य 180 रुपये हो तो 1 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 में नीचे दी गई वक्रों की खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दी गई आकृति में 3 भुजाओं की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 प्रश्न हैं, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर इन तीनों को। क्वेश्चन नंबर 12 इन दोनों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 में मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट करना है इन दोनों को, अथवा मान ज्ञात कीजिए इसमें से घटाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 चतुर्भुज ABCD का एक रफ चित्र खींचिए और बताइए सम्मुख कोणों के 2 युग्म और आसन्न भुजाओं के 2 युग्म। क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 16 में दो प्रश्न हैं और दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दो प्रश्न हैं, या आप इसे कर सकते हैं या फिर इसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं, और मैं आपको बता दूँ इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।